Hi guys, my name is Chandrasekhar Barula और मेरा नंबर है 9891230008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन रिस्क मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट का पार्ट है। और हमने ये जाना था कि रिस्क मैनेजमेंट जो है वो एक एस्टिमेशन प्रोसेस है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स हम देखते हैं, यानी कि वो एक एग्जैक्ट साइंस नहीं, एस्टिमेशन है। तो क्वालिटेटिव एस्टिमेशंस में क्या हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गुडविल का लॉस ना हो जाए। अगर मालूम पड़ा एक कंपनी है या एक बैंक है उसका डेटा सेंटर काम करना बंद हो जाए, वहाँ से डेटा लॉस हो जाए या कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच हो जाए, दूसरों को अकाउंट डिटेल पता चल जाए, तो उसकी गुडविल का लॉस हो जाएगा और उसे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा हो सकता है बैंक ख़त्म ही हो जाए या बैंक में गुडविल का लॉस हो, जो उसे लॉन्ग टर्म में मॉनिटरी इम्पैक्ट भी देगा। तो बेसिकली ये क्वालिटेटिव लॉस है, क्वालिटेटिव इम्पैक्ट है। इस तरह से क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं, पैसे का इम्पैक्ट भी हो सकता है, जिसको हम क्वांटिफाई कर सकते हैं, और वो क्वांटिटेटिव इम्पैक्ट्स हो सकते हैं। और ये रिस्क मैनेजमेंट का काम जो है टॉप मैनेजमेंट का है, क्योंकि अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है। और रिस्क मैनेजमेंट इतना प्रीमियर चीज़ है कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स एक बार ऑर्गेनाइजेशन के डिसाइडेड है तो उसके बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, और उसके बाद आपको पॉलिसीज़ बनानी है। पॉलिसीज़ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट बनाता है, लेकिन पॉलिसीज़ बनाने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट कंसिडरेशन लेना पड़ेगा, यानी कि आप मैनेजमेंट हो, आपको रिस्क मैनेजमेंट कंसिडरेशन लेना पड़ेगा। और फिर हमने जाना कि हम किस तरह से रिस्क मैनेजमेंट करेंगे, और हमने ये जाना कि हमें जो एसेट्स हैं उनको क्लासिफाई करना पड़ेगा, मतलब टेंजिबल इंटेंजिबल। उसके बाद क्या है, उनको हमें फर्दर क्लासिफाई करना पड़ेगा क्रिटिकलिटी के अनुसार, कि कौन टॉप सीक्रेट है, सीक्रेट है, कॉन्फिडेंशियल है, सेंसिटिव है और अनक्लासिफाइड है। और उसके बाद क्या है कि हमें थ्रेट्स के बारे में पता चलेगा, तो उसके बाद हम रिस्क असेसमेंट पर आएंगे, वहाँ पर हम वनरेबिलिटीज़ लाइकलीहुड के बारे में देखेंगे। थ्रेट्स जो हैं वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, तो वनरेबिलिटीज़ देखेंगे, लाइकलीहुड देखेंगे, इम्पैक्ट देखेंगे। फिर हमने वनरेबिलिटीज़ और लाइकलीहुड, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ थ्रेट और वनरेबिलिटी फैक्टर के बारे में पढ़ा, और ये जाना कि रिस्क को निकालने के लिए एक रिस्क को निकाल क्वांटिफाई करने की कोशिश की। रियल में हम रिस्क को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एक रिस्क को क्वांटिफाई करने की कोशिश की। और हमने कहा कि एसेट की वैल्यू अगर 10 लाख का एसेट है तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं थ्रेट के प्रोबेबिलिटी से, अकरेंस थ्रेट की अकरेंस की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, थ्रेट कितनी बार अकर करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है उसकी अकरेंस की, उससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और उसके बाद उसे वनरेबिलिटी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि वनरेबिलिटी कितनी ज़्यादा है, वनरेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी रिस्क उतना बढ़ता जाएगा, प्रोबेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी रिस्क उतना बढ़ता जाएगा, वैल्यू ऑफ एसेट जितनी ज़्यादा होगी रिस्क उतना ज़्यादा होगा। इन तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें एक क्वांटिटेटिव नंबर मिल जाएगा, और उस नंबर से हम कंट्रोल को करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो एसेट की वैल्यू अगर 10 लाख रुपया है और प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस 1 है और वनरेबिलिटी फैक्टर हाफ है, तो मतलब 5 लाख रिस्क हो गया, 5 लाख के बराबर के हम कंट्रोल्स लगाएंगे। यानी हमने ये फर्दर ये जाना था कि कंट्रोल्स कॉस्ट इफेक्टिव होने बहुत ज़रूरी हैं। कंट्रोल्स अगर कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, कंट्रोल्स कॉस्ट इफेक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर हमने कंट्रोल असेसमेंट के पर हम टॉपिक पर हम मूव किए थे, और हमने ये जाना था कि जो कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स क्या करते हैं, हम कंट्रोल्स इस तरीके से हमें कंट्रोल्स लगाने कि रिस्क को एक्सेप्टेबल लेवल तक लेकर आएँ। और एक्सेप्टेबल लेवल कौन डिटरमाइन करेगा, मैनेजमेंट डिटरमाइन करेगा। अपनी किस हिसाब से डिटरमाइन करेगा, रिस्क एपेटाइट डिटरमाइन करेगा, वो अपनी रिस्क एपेटाइट डिटरमाइन करेगा, वो देखेगा कितना रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद एक्सेप्टेबल लेवल डिटरमाइन करेगा, रिस्क एपेटाइट और कॉस्ट इफेक्टिवनेस के अनुसार कितना लॉस ले सकते हैं इसकी, इस फैक्ट के अनुसार वो एक्सेप्टेबल लेवल डिटरमाइन करेंगे, एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क डिटरमाइन करेंगे। और फिर एक्सेप्टेबल ऑफ लेवल ऑफ रिस्क के अगेंस्ट हमें कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे। और फिर हमने कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था, कंट्रोल्स के बारे में हमने पढ़ा था कि कंट्रोल्स की को हमने डिफाइन करने की कोशिश की, और उसी की डेफिनेशन में हमने ये पढ़ा था कि जो डेफिनेशन ही है वो हमें ये बताती है कि रिस्क जो है डिटेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होते हैं, डायरेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं और करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। तो कंट्रोल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कंट्रोल्स को हम ये बोलते हैं कि कंट्रोल्स क्या होते हैं, पॉलिसी प्रोसीजर प्रैक्टिस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जो कि डायरेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। और ये डायरेक्टिव कंट्रोल्स इस तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि एक रीजनेबल एश्योरेंस मिले, 100% एश्योरेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पर एक रीजनेबल एश्योरेंस की बात हो रही है। किसके रीजनेबल एश्योरेंस की बात, कि बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव कर रहे हैं। तो यानी कि हमारा मेन एम क्या है, गोल और मिशन ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, जो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स है उसको मीट आउट करने के लिए
जो पॉलिसीज़ लगा रखी हैं, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, और ये पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एक रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल की तरफ बढ़ेंगे। यानी कि अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 1000 आदमी वर्क कर रहे हैं तो हमने पॉलिसीज़ बना रखी हैं कि हम इस गोल्स की तरफ बढ़ेंगे। ये पॉलिसीज़ में कई बार हम पेनल्टीज़ भी लगाते हैं लोगों पर, उनको नौ जॉब से भी निकालते हैं, और वो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि ये पॉलिसीज़, प्रोसीजर, प्रैक्टिसेस और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं कि बिज़नेस ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए जाते हैं। और दूसरी बात क्या है, कंट्रोल्स का काम क्या है? दूसरा कंट्रोल्स का काम ये है कि अनडिज़ायर्ड इवेंट रुकने हैं, तो अनडिज़ायर्ड इवेंट को हमें प्रिवेंट करना है, डिटेक्ट करना है, करेक्ट करना है। प्रिवेंट के लिए, प्रिवेंशन के लिए हम प्रिवेंटिव कंट्रोल लगाएंगे, डिटेक्शन के लिए डिटेक्टिव कंट्रोल लगाएंगे, करेक्शन के लिए करेक्टिव कंट्रोल्स लगाएंगे। तो यानी कि कंट्रोल्स के किस टाइप के हुए, आपके डायरेक्टिव कंट्रोल्स हो गए, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हो गए, डिटेक्टिव कंट्रोल्स हो गए, करेक्टिव कंट्रोल्स हो गए, और इसी से कंट्रोल्स की डेफिनेशन बन गई। अब फैक्टर्स क्या हैं जो कंट्रोल के सिलेक्शंस में हमें देखने पड़ेंगे? सबसे पहले लेवल ऑफ रेजिडुअल रिस्क देखेंगे। रेजिडुअल रिस्क क्या है? जिस रिस्क को हम या तो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिकल रिस्क, कौन सी सरकार आ जाए पता नहीं। जैसे मोदी सरकार आई, उसने कई चीज़ें, उसको कई चीज़ें पसंद नहीं हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल उनको मीट इंडस्ट्री पसंद नहीं है, तो मीट इंडस्ट्री से अब एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, अगर वो इंडस्ट्री पसंद नहीं है तो वो उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं उसके एक्सपोर्ट पर। तो वो जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है वहाँ पर क्या है, उसकी लाइफ, उसका एग्जिस्टेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। ये तो ये पॉलिटिकल कंट्रोल्स, पॉलिटिकल सिचुएशन से, पॉलिटिकल चीज़ को हमारे कंट्रोल से बाहर है, ये पॉलिटिकल रिस्क है, ये हमसे बाहर है। अगर कहीं अचानक कोई चीज़ ऐसी होगी जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, वो जो रिस्क है वो हमारे कंट्रोल से बाहर है। कुछ रिस्क ऐसा होता है, हम कहते हैं कि रेजिडुअल रिस्क है, ये रिस्क रह जाता है सब कुछ करने के बावजूद भी रह जाता है। और एक होता है एक्सेप्टेबल रिस्क, हमें पता है ये रिस्क है लेकिन फिर भी हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये तीन टाइप के रिस्क हैं, एक हमारी कंट्रोल के बाहर है, एक हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और एक हमारे सब कुछ कहने के बावजूद बच जाता है, हो जाता है, कुछ रिस्क बच जाता है। तो लेवल ऑफ रेजिडुअल रिस्क हम देखेंगे, उसी के अनुसार कंट्रोल लगाया जाएगा। उसके बाद कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स की कॉस्ट इफेक्टिवनेस देखेंगे। मालूम पड़ा हमारा बिजनेस 10 करोड़ का है और हमने कंट्रोल्स 50 करोड़ के लगाने की सोच रहे हैं, काम नहीं चलेगा। इसके बाद एक्विजिशन इश्यूज देखेंगे, स्पैन ऑफ कंट्रोल देखेंगे, लाइफ टाइम कॉस्ट देखेंगे कंट्रोल्स की, मतलब लाइफ टाइम क्या है कॉस्ट की, उससे बेनिफिट क्या हुआ, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में क्या इंपैक्ट आता है अगर हमने इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम लगा दिया, या फिर उसके बाद साथ में फिर फायरवॉल भी लगा दिया, और साथ में फिर हमने फायरवॉल के साथ, वैसे फायरवॉल के ही बंच होकर आता है ये सारी चीज़ें, लेकिन हमने एक सपोज हमने कॉन्स्टेंट स्कैनिंग की, रियल टाइम स्कैनिंग की, तो वो सिस्टम जो है धीरे काम करने लगा, तो उससे क्या होगा, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में इफेक्ट आ जाएगा। और कई जगह पे तो जहाँ पर वॉइस कम्युनिकेशन होता है पर्टिकुलरली, वहाँ पर क्या होता है कि आवाज़ आपकी स्मूथ जानी चाहिए, जैसे कॉल सेंटर्स होते हैं वहाँ पर वॉइस कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहाँ पर इन सब चीज़ों को देखना पड़ेगा। उसके बाद बैलेंस्ड सिक्योरिटी की नीड को हमें देखना पड़ेगा। तो जैसे हम एक थोड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फायर वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर आता है तो वो क्या देखता है, फायर को देखता है, आग का क्या कंट्रोल है। तो अब फायर को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, उसके रिस्क को टोटली इलिमिनेट नहीं किया जा सकता, किसी भी रिस्क की तरह उसको मिटिगेट नहीं की, उसको इलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन मिटिगेट किया जा सकता है फायर के रिस्क को, आग के रिस्क को मिटिगेट किया जा सकता है। उसमें टेक्निकल कंट्रोल्स, टेक्निकल और कंट्रोल मेजर्स लगाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रिवेंटिव कंट्रोल लगा सकते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या है कि भाई एक कई कंपनियों में स्मोकिंग अलाउड नहीं होता, अधिकतर कंपनियों में अलाउड नहीं होता, और कई कंपनियों में क्या है, कॉल सेंटर्स वगैरह वहाँ स्मोकिंग जोन होता है पर्टिकुलर, वहाँ आप जाकर स्मोक करना है तो उसी जगह पर आप स्मोक कर सकते हैं, उसके अलावा स्मोकिंग प्रोहिबिटेड होती है। तो ये एक तरीका है प्रिवेंटिव कंट्रोल का। दूसरा ये हो सकता है फायर प्रूफ मटेरियल लगाएं, आप डाटा सेंटर फैसिलिटी बना रहे हैं तो फायर प्रूफ मटेरियल लगाएं कि आग ही ना लगे, वनरेबिलिटी ना हो, वनरेबिलिटी नहीं होगी तो फायर की थ्रेट काम नहीं करेगी। उसके बाद क्या है कि कुछ कंट्रोल्स जो होते हैं वो करेक्टिव कंट्रोल होते हैं, मतलब डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल होते हैं, डिटेक्ट करते हैं और करेक्ट करते हैं। तो डिटेक्टिव कंट्रोल्स में क्या है कि स्मोक डिटेक्टर्स आप लगा सकते हैं, तो जिससे फायर लगेगी तो उसका इंपैक्ट कम हो जाएगा। डिटेक्टिव कंट्रोल्स यानी कि स्मोक डिटेक्टर आपको बता देगा भैया ये आग लग रही है, और स्प्रिंकलर से पानी छोड़ देगा, कई केसेस में अलार्म बजा देगा। तो कहने का मतलब ये, फायर सप्रेशन सिस्टम्स हम लगाकर, जो फायर सप्रेशन सिस्टम्स है उसके बाद हम उसका यूज़ करने लगे,
लगेंगे। तो डिटेक्टिव कंट्रोल डिटेक्ट करता है और उसके बाद करेक्टिव कंट्रोल्स करेक्ट करते हैं। तो डिटेक्टिव कंट्रोल्स क्या हो गया, स्मोक डिटेक्टर जो हमने लगाया है वो डिटेक्टिव कंट्रोल हो गया, क्योंकि डिटेक्ट करके हमें बता रहा है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है वो डिटेक्ट कर रहा है, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्टिव कंट्रोल है, वो प्रिवेंट नहीं करता, वो बता देता है कि भाई यहाँ से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, एबनॉर्मल चीज़ें आ रही है, वो एडमिनिस्ट्रेटर को कॉन्स्टेंट इन्फॉर्मेशन देता रहता है, पैटर्न देता रहता है इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम। जो फायरवॉल है या आपकी एंटीवायरस है वो करेक्टिव कंट्रोल है, मतलब वो करेक्ट करता है, वो रोकता है, वो अगर मान लिया कोई वायरस आ गया तो उसको मिटा देता है। इसी तरीके से अगर आपने अपने स्मोक डिटेक्टर्स इंस्टॉल किए हैं तो वो क्या हो जाएंगे, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स हो जाएंगे। अब डिटेक्टिव कंट्रोल्स क्या होंगे, डिटेक्टिव कंट्रोल्स डिटेक्ट करेंगे, यानी फायर सप्रेशन सिस्टम होंगे, फायर सॉरी प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होंगे, फायर सप्रेशन सिस्टम होंगे, डाई स्प्रिंकलर होगा आपका, फायर एक्सटिंग्विशर होगा, ये आपके करेक्टिव कंट्रोल्स होंगे। इसके अलावा क्या है कि अगर फायर प्रूफ कैबिनेट्स वगैरह आपने बनाए तो प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होंगे। फायर प्रूफ कैबिनेट आपने बना रखा है तो उसमें आग लगेगी ही नहीं, और चूंकि आग नहीं लगेगी तो आग प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगा रखें, पहले से ही कंट्रोल्स ऐसे लगा रखें प्रिवेंशन हो, और प्रिवेंटिव कंट्रोल सुपीरियर होते हैं, यानी कि कोई इंपैक्ट होने से पहले ही आपने इंतजाम कर रखा है, फायर प्रूफ कैबिनेट बना रखे हैं और जो डेटा सेंटर बना रखा है ऐसी मटेरियल से बना रखा है जिसमें आग लगती ही नहीं है, ऐसे इन्वायरमेंट में रख रखा है जो ठंडा इन्वायरमेंट है जहाँ इग्निशन टेम्परेचर ही नहीं आता है। इसके अलावा क्या है कि आप रिस्क को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। रिस्क को कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे आपने इंश्योरेंस ले लिया, अगर मान लिया कोई डायरेक्ट लॉस है, अगर डिस्ट्रक्शन हो गया है किसी इंफॉर्मेशन सिस्टम एसेट का, तो या प्रॉफिट का लॉस हो गया उसकी वजह से मालूम पड़ा आपका एक घंटे फेसबुक काम नहीं कर रहा है या पर्टिकुलर चीज़ काम नहीं कर रही है, तो वहाँ पर उतने टाइम पर एडवर्टीजमेंट की एडवर्टीजमेंट से कमाई नहीं हुई, और अगर एडवर्टीजमेंट से कमाई नहीं हुई तो प्रॉफिट का लॉस हो गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उस लॉस को की भरपाई करेंगे। तो जो चॉइसेस हैं रिस्क के ट्रीटमेंट के लिए, तो वो या तो हम जैसे हमने बोला था चॉइसेस क्या हैं, वही स्ट्रेटजीज जो हैं, हमने पहले स्ट्रेटजीज पढ़ी थी, वो स्ट्रेटजीज क्या हैं, मिटिगेशन ट्रांसफ़र और रिस्क मिटिगेशन, रिस्क ट्रांसफ़र, रिस्क एक्सेप्टेंस या रिस्क एलिमिनेशन। रिस्क एलिमिनेशन सही स्ट्रेटजी नहीं है, आप रिस्क एलिमिनेशन सही स्ट्रेटजी नहीं है। तो रिस्क मिटिगेशन की स्ट्रेटजी ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइजेशन में वेरी करती है और रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करती है कि ऑर्गेनाइजेशन की रिस्क एपेटाइट क्या है, उसके अनुसार उनकी ये जो स्ट्रेटजी है रिस्क की, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी उसी के अनुसार डिपेंड करेगी। तो बेसिकली ये तो कंट्रोल्स थे, अब आईटी के कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, जो एक जनरल कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में हमारे स्टडी में बताया गया। तो हमने पहले ही जानते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट की जो ये प्रोसेस है उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, मैनेजमेंट की है। अब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होगी, तो मैनेजमेंट ने ये बताया कि भैया ये एक्सेप्टेबल रिस्क है, हर प्रोसेस लेवल पर एक्सेप्टेबल रिस्क डिफाइन कर दिया। मतलब अगर फायर है तो क्या एक्सेप्टेबल रिस्क है, अगर एंटीवायरस है, अगर वायरस आ रहा है, या लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स की केस में क्या रिस्क है, क्या एक्सेप्टेबल लेवल रिस्क है, अगर कोई डेटा जो बैकअप है लेना है, अगर कोई डेटा है डेटा डिलीट ना हो जाए, वहाँ पर डेटा की सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी, वहाँ पर क्या एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क है, तो उस मैनेजमेंट जो है एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क आइडेंटिफाई करेगा और हर प्रोसेस लेवल पर आइडेंटिफाई करेगा, क्योंकि अलग अलग टाइप की प्रोसेस होंगी। जैसे कि बैंक है, बैंक में सेंट्रलाइज डेटा बेस में एक्सेप्टेबल ऑफ लेवल ऑफ रिस्क बहुत कम होना चाहिए, वहाँ एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बहुत लेवल बहुत कम होगा, वहाँ पर डेटा सेंटर में कोई डेटा का लॉस हो जाए, वहाँ पर वो डेटा अवेलेबल ना हो, ये बैंक के लिए प्रॉब्लम का कारण बनेगा, बैंक ख़त्म भी हो सकता है, बैंक की एग्जिस्टेंस वाइप आउट हो सकती है, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ सकता है बैंक को। तो एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क डिटरमाइन करेगा, हर प्रोसेस लेवल पर डिटरमाइन करेगा। तो यानी कि बैंक ने सेंट्रलाइज डेटाबेस पर अलग एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क डिटरमाइन किया, और अगर ईमेल है एम्प्लॉइज़ के बीच में ईमेल जा रही है तो वहाँ पर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क डिफरेंट है। तो हर प्रोसेस लेवल पर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क अलग है, एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में अलग है, इंटरनल कम्युनिकेशन में अलग है।
तो एक बार एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क डिटरमाइन हो जाता है और बाकी सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो मैनेजमेंट कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स बनाता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल क्या होनी चाहिए। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो इंटरनल कंट्रोल होंगे, तभी आईएएस रिस्क को कंट्रोल किया जा सकेगा। मतलब इंफॉर्मेशन सिस्टम रिस्क को आपने इवेलुएट किया और उसके बाद आप कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, तभी आपको पता चलेगा। आपने एक्सेप्टेबल अनएक्सेप्टेबल लेवल ऑफ रिस्क बनाया, एसेट्स किया, एसेट्स का क्लासिफिकेशन किया, क्रिटिकलिटी के अनुसार क्लासिफिकेशन किया, उसके बाद आपने थ्रेट्स देखी, वनरेबिलिटी देखी, उसके बाद आईएस रिस्क के बारे में आपको पता चल गया पूरी तरीके से। अब आप कंट्रोल्स लगाएंगे, तो कंट्रोल्स लगाने से पहले कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव पता होने चाहिए, और ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स में गोल कॉन्ग्रेंस होनी चाहिए। गोल कॉन्ग्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। एम्प्लॉय का गोल ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मिलना चाहिए, एम्प्लॉय की जो पॉलिसी है वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अनुसार होनी चाहिए, एम्प्लॉय की हर चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अनुसार होनी चाहिए। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स भी जो हैं इस तरह के होने चाहिए कि कंपनी की जो आईटी है वो बिजनेस स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन हो और बिजनेस रिक्वायरमेंट्स को डिलीवर करे, डिलीवरी इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डिलीवरी करे। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुका है। एफिशिएंसी मतलब इफेक्टिवनेस मतलब जो होना है हम उस डायरेक्शन गोल के डायरेक्शन में बढ़े, एफिशिएंसी मतलब कम से कम रिसोर्सेज का यूज़ करके हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ें। एक तरफ ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ना है, कितनी देर में बढ़ोगे, कितने टाइम में बढ़ोगे, कितने रिसोर्सेज में लेकर बढ़ोगे वो मैटर नहीं करता है, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ रहे हो। आप यहाँ से दिल्ली जा रहे हो, पैदल जा रहे हो, साइकिल से जा रहे हो, ये मैटर नहीं करता। एफिशिएंसी है कि आपको बड़ी जल्दी जाना है, बड़ी टाइम में पहुँचना है और फास्ट स्पीड से पहुँचना है या फिर कम से कम रिसोर्सेज से पहुँचना है। तो ये आपके जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से मीट आउट होनी चाहिए। हर चीज़ बिजनेस की ऑब्जेक्टिव से मीट आउट होनी चाहिए, गोल कॉन्ग्रेंस होनी चाहिए। जो बिजनेस के गोल्स हैं, बाकी सारे गोल्स, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स, एम्प्लॉई के गोल्स, सारे गोल्स जो हैं वो किससे मीट आउट होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के गोल से मीट आउट होने चाहिए। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स भी का अलाइनमेंट होना चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, उनका आईटी अलाइनमेंट इस तरह से होना चाहिए कि बिजनेस स्ट्रेटजीज या बिजनेस गोल्स को इफेक्टिवली डिलीवर करें। तो जो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव पहला ये हो सकता है, अगर आपके पास कोई कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, आईटी है तो कंप्यूटिंग फैसिलिटी होगी, ऑटोमेशन है तो कंप्यूटिंग फैसिलिटी होगी, कंप्यूटिंग फैसिलिटी है वो सिक्योर हो। और क्योंकि कई जैसे फेसबुक है वो तो अगर कंप्यूटिंग फैसिलिटी काम नहीं करेगी तो फेसबुक डाउन है, उसका पूरा बिजनेस डाउन है। इसी तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे डाउन हो जाएगी, उसके अलावा बैंक्स हैं, बैंक्स डाउन हो जाएंगे। तो कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस रहे, ये आपकी सबसे पहली जो ऑब्जेक्टिव्स होगा, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव सबसे पहला होगा ऑर्गेनाइजेशन की कंप्यूटिंग फैसिलिटी सिक्योर हो और कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन हो। क्योंकि जो कंप्यूटिंग फैसिलिटी है, जो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटा फाइनली रखा कहाँ जा रहा है, डेटा और सॉफ्टवेयर, डेटा को मैनिपुलेट करता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के कहाँ पर बैठता है, हार्डवेयर में या कम्युनिकेशन लाइंस में, ये सारी कम्युनिकेशन लाइन या हार्डवेयर अगर कंपनी के अंदर लोकल एरिया नेटवर्क्स है, हार्डवेयर्स हैं, तो ये कहाँ पर होते हैं, कंप्यूटिंग फैसिलिटीज़ में होते हैं, और ये कंप्यूटिंग फैसिलिटी सिक्योर होनी चाहिए और यहाँ कंटिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन होनी चाहिए। कंप्यूटिंग फैसिलिटी ही टूट गई तो मालूम पड़ा डेटा गया, डेटा क्योंकि जो किंग ऑफ एसेट है डेटा, वो कहाँ पर बैठ रहा है, वो कंप्यूटिंग फैसिलिटी में बैठ रहा है। तो कंप्यूटिंग फैसिलिटी को सिक्योर करना हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। उसके अलावा डेटा बहुत इंपॉर्टेंट, फिर से हम डेटा पर आ जाते हैं, डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो डेटा की प्रोसेसिंग सही होनी चाहिए, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी होनी चाहिए डेटा में, तीन चीज़ें हैं। जहाँ डेटा की बात आएगी, डेटा प्रोसेसिंग की बात आएगी, वहाँ कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी और वैलिडिटी होनी चाहिए डेटा में। तो डेटा प्रोसेसिंग में कंप्लीटनेस और एक्यूरेसी होनी चाहिए, यानी कंप्लीट डेटा प्रोसेस होना चाहिए, एक्यूरेटली डेटा प्रोसेस होना चाहिए, ये आपका कंट्रोल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। यानी कि डेटा प्रोसेसिंग हो रही है तो प्रोग्राम सही होना चाहिए, अगर कोड सही होना चाहिए, कोड अगर सही तरीके से नहीं, कोड अपडेट कर रखा है तो वो अपडेटेड वाला कोड, प्रोग्रामिंग कोड का वर्जन होना चाहिए, पुराना वाला कोड का वर्जन नहीं होना चाहिए, कोड के अंदर कोई ट्रोजन हॉर्स नहीं होना चाहिए, सही तरीके से प्रोसेसिंग होनी चाहिए, डेटा सही तरीके से जाना होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी इन्फॉर्मेशन की मेंटेन्ड होनी चाहिए। इन इंफॉर्मेशन ऑथराइज यूज़र को होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन
जैसी उसकी इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, अनऑथराइज चेंजेस नहीं होने चाहिए, और जिस व्यक्ति को अवेलेबल होनी चाहिए उस व्यक्ति को बिल्कुल अवेलेबल होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कंप्यूटिंग रिसोर्सेज का इफेक्टिव यूज़ होना चाहिए, मतलब इफेक्टिवनेस होनी चाहिए। जो बाकी सारी चीज़ें तो हमने बोली, उसके अलावा एक और चीज़ कि इफेक्टिवनेस होना चाहिए। इफेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? इफेक्टिवनेस का मतलब वो गोल्स की तरफ जाना चाहिए। कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयज़ फेसबुक या दूसरी चीज़ें देख रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में वो बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि कंप्यूटिंग फैसिलिटी फेसबुक और इन सब चीज़ों के देखने के लिए यूज़ की जा रही है। कई ऑर्गेनाइजेशन हाईली क्रिएटिव होते हैं और वो जानते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो है 2-3 घंटे प्रोडक्टिव काम कर सकता है इतना, और बाद में आदमी को कुछ रिलैक्सेशन चाहिए। तो कहते हैं ठीक है जी, आप रेस्ट लेना चाहो तो रेस्ट ले सकते हो, फेसबुक यूज़ करना चाहो फेसबुक यूज़ करते हो, जो यूज़ करना चाहो कर सकते हो, लेकिन प्रोडक्टिविटी आप दिखाओ। तो ये ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस डिटरमाइन करती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन में। अब जैसे गूगल है, गूगल में लाउंज भी है, कॉफ़ी पीनी है तो कैंटीन भी एक अच्छी सी है, लाउंज भी आप जाकर सो भी सकते हो, और फेसबुक ये वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। लेकिन नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आप ये चीज़ें यूज़ नहीं कर सकते हो क्योंकि इफेक्टिवनेस, वहाँ पर इफेक्टिवनेस आ रही है। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ऑर्गेनाइजेशन के मीट आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स जो है इस तरह के होनी चाहिए कि बिज़नेस के साथ गोल कॉन्ग्रेंस होना चाहिए, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि कंप्यूटिंग फैसिलिटी सिक्योर करें, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव ऐसे हो, इफेक्टिवनेस हो कंप्यूटिंग रिसोर्सेज में, कॉन्फिडेंशियलिटी इंटेग्रिटी अवेलेबिलिटी और डेटा की प्रोसेसिंग सही हो, ये सारी चीज़ें कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स में होनी चाहिए। तो हमारी स्टडी फिर उसके बाद कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करती है। वो ये कहती है कंट्रोल किस लिए लगाए जाते हैं? रिस्क मिटिगेट करने के लिए, रिस्क एलिमिनेट करने के लिए नहीं, मिटिगेट करने के लिए। रिस्क एलिमिनेशन नहीं है, रिस्क 100% रिस्क को हम एलिमिनेट ही नहीं कर सकते, उसको मिटिगेट करेंगे। तो कंट्रोल किस लिए इंप्लीमेंट किए जाते हैं? रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो कंट्रोल की हमेशा कॉस्ट होती है लेकिन उसके बेनिफिट भी होते हैं। बेनिफिट होते हैं तभी तो आप कंट्रोल्स लगा रहे हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट ऑफ कंट्रोल होना चाहिए। और इसको करने के लिए कि कंट्रोल्स फॉर द सेक ऑफ कंट्रोल्स नहीं होने चाहिए, उसका स्पेसिफिक पर्पज़ होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कई कंपनीज़ में क्या होता है कि आदमी को ज़बरदस्ती लंबे टाइम पर बैठाया जाता है, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं होती, नहीं जी इतने बजे तक आप बैठोगे ही बैठोगे अंदर, तो वो एक कंट्रोल सुनाने लगा दिया, कंट्रोल्स फॉर द सेक ऑफ कंट्रोल्स लगा दिया, स्पेसिफिक पर्पज़ नहीं है। कंट्रोल्स का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए और एक स्पेसिफिक पर्पज़ होना चाहिए। तो कंट्रोल्स ऑब्जेक्टिव्स क्या करते हैं? वो उस पर्पज़ को डिफाइन करते हैं। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स ये बताते हैं कि भाई हम कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कौन इससे क्या होने वाला है, क्या चीज़ होगी, क्या हेल्प मिलेगी, क्या इसका पर्पज़ है। तो यानी कि हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करेंगे, यानी कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे होंगे, रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तो रिस्क को फाइंड आउट करेंगे, और रिस्क को फाइंड आउट करने के बाद कंट्रोल्स उसके अगेंस्ट कंट्रोल्स डिफाइन करेंगे। तो जब हम कंट्रोल्स को डिफाइन करेंगे, जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोल्स को डिफाइन करेगा, हम तो उस पर ओपिनियन देंगे, हम इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर हैं, लेकिन जब मैनेजमेंट उस कंट्रोल्स को डिफाइन कर रहा है तो उसे ये भी बताना पड़ेगा इसका क्या पर्पस है, क्या इसके पीछे सोच है, क्यों हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं कंट्रोल को, उसका पर्पस क्या है। तो कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या होता है, एक स्टेटमेंट होता है। काही चीज का स्टेटमेंट होता है ये कि भाई हमारा डिजायर्ड रिजल्ट क्या है, पर्पस क्या है। अगर हम इस कंट्रोल प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करेंगे किसी पर्टिकुलर आईटी प्रोसेस या एक्टिविटी में इंप्लीमेंट करेंगे, तो उस पर्टिकुलर आईटी एक्टिविटी या प्रोसेस में हमें क्या अचीव होगा। तो कहने का मतलब कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है, स्टेटमेंट है। कंट्रोल ऑब्वियसली पॉलिसी एक स्टेटमेंट है, प्रोसीजर एक स्टेटमेंट है, इसी तरह से कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एक स्टेटमेंट है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि आईटी प्रोसेस और ऑब्जेक्टिव में कौन से कंट्रोल प्रोसीजर्स अचीव किए लगाए जा रहे हैं और उससे क्या अचीव होगा, उसे एक डिजायर्ड रिजल्ट या पर्पज़ अचीव होना है। तो एक स्टेटमेंट है डिजायर्ड रिजल्ट और पर्पज़, मतलब क्या पर्पज़ है, क्या डिजायर्ड रिजल्ट का, उसका स्टेटमेंट है कंट्रोल ऑब्जेक्टिव। और ये डिजायर्ड रिजल्ट और पर्पज़ क्या होगा, रिस्क मिटिगेशन, रिस्क इलिमिनेशन नहीं, इलिमिनेट नहीं कर रहे हम रिस्क को, रिस्क मिटिगेशन। तभी हमने पढ़ा कि कंट्रोल्स दो टाइप के होते हैं, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाते हैं, कंप्लायंस प्रोसीजर्स लगाते हैं। तो कंप्लायंस प्रोसीजर्स के बाद सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर 100%
रिस्क मिटिगेट नहीं होता, कंट्रोल प्रोसीजर से रिस्क इलिमिनेट होता है, और रिस्क मिटिगेट हो भी नहीं सकता है। रिस्क नए नए रिस्क आते रहते हैं, रिस्क मिटिगेट होना इम्पॉसिबल है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में आप रिस्क 99.999% तक रिस्क ले जा सकते हैं, लेकिन फिर भी 0.0001% रिस्क तो रहता ही रहता है। तो रिस्क इलिमिनेट नहीं हो सकता है, रिस्क मिटिगेट हो सकता है। और इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव क्या है? स्टेटमेंट है, कुछ नहीं है। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट है, उसको आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो किसका स्टेटमेंट? डिजायर्ड रिजल्ट या पर्पस जो हम अचीव करेंगे, मतलब इस कंट्रोल ऑब्जेक्टिव से, कंट्रोल प्रोसीजर से, सॉरी, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स में कंट्रोल प्रोसीजर्स होंगे, इन्हीं प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट करेंगे। यानी कि दो अलग चीज़ें, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल प्रोसीजर्स दोनों अलग अलग चीज़ें। कंट्रोल ऑब्जेक्टिव और कंट्रोल प्रोसीजर्स दोनों अलग अलग चीज़ें। कंट्रोल प्रोसीजर्स हम लगाएंगे, कौन से कंट्रोल प्रोसीजर्स लगाएंगे, इन सब चीज़ के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाएंगे, और उस स्टेटमेंट को हम कंट्रोल ऑब्जेक्टिव कहेंगे। मैनेजमेंट कहेगा जी ये कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब कैटेगरी ऑफ कंट्रोल क्या है? कैटेगरी ऑफ कंट्रोल डायरेक्टिव कंट्रोल्स है, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स है, डिटेक्टिव कंट्रोल्स है, करेक्टिव कंट्रोल्स है, और एग्जिस्टेंस कंट्रोल्स है। तो वैसे तो कंट्रोल्स कई तरीके से क्लासीफाई किया जा सकते हैं, लेकिन कंट्रोल्स का एक क्लासिफिकेशन सबसे ज़्यादा होता है ऑब्जेक्टिव के बेस पर। उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव के बेस पर कंट्रोल्स डिज़ाइन किए जाते हैं और इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले डायरेक्टिव कंट्रोल्स को ले लेते हैं। डायरेक्टिव कंट्रोल डायरेक्ट करता है एक एक्टिविटी को डिज़ायर्ड आउटकम की तरफ। यानी कि डायरेक्टिव कंट्रोल कहेगा जी, डायरेक्टिव कंट्रोल्स क्या करेगा? डायरेक्ट करेगा एक्टिविटी के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल, कई युद्ध होता था। युद्ध होता था तो क्या होता था, राजा जो है अपने सैनिक जब लड़ रहे होते थे तो उसके पीछे कुछ हज़ार, अगर 10,000 सैनिक आगे लड़ रहे हैं तो 500 सैनिक पीछे खड़े कर देगा और कहेगा कोई भी सैनिक भागे तो उसको भागने मत देना, उसको मार देना। तो उससे क्या होता था, बाकी सैनिक युद्ध करते रहते थे अंत तक, जब तक राजा नहीं चाहता था। तो ये वो एक आउटकम की तरह डायरेक्टिव कंट्रोल है। डायरेक्टिव कंट्रोल डायरेक्ट करता है, पॉलिसीज डायरेक्ट करती हैं, प्रोसीजर्स डायरेक्ट करती हैं, गाइडलाइंस डायरेक्ट करती हैं। यानी पॉलिसी आपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाया है कि इतने बजे से इतने बजे तक आना है, ये चीज़ यूज़ करना है, ये चीज़ नहीं यूज़ करना है इस एरिया में, इस एम्प्लॉई, ये सारी पॉलिसीज आपने बनाई। अलग अलग टाइप की पॉलिसीज होती हैं, कन्वेंस पॉलिसी होती हैं, ट्रैवल पॉलिसी होती है, बाकी लीव पॉलिसीज होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, गाइडलाइन होते हैं। तो ये सारे पॉलिसी और प्रोसीजर्स क्या होते हैं? डायरेक्टिव कंट्रोल होते हैं, डायरेक्ट करते हैं एक्टिविटी को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जैसे कि एक रीजनेबल एश्योरेंस मिल जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव और गोल्स अचीव किए जा सकते हैं। उसके अलावा होते हैं प्रिवेंटिव कंट्रोल्स। प्रिवेंटिव कंट्रोल क्या करते हैं? एरर, ओमिशन और मलिशियस एक्ट को प्रिवेंट करते हैं। तो अगर मान लिया सपोज एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो, तो वो एक्सेस कंट्रोल सॉफ्टवेयर क्या करेगा? केवल ऑथराइज व्यक्ति को सेंसिटिव फाइल का एक्सेस देगा, या प्रोसेसिंग ऑफ सेंसिटिव फाइल्स, सेंसिटिव डेटा की प्रोसेसिंग ऑप्शंस का एक्सेस देगा। तो ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। प्रिवेंटिव कंट्रोल डिजास्टर होने से पहले प्रिवेंट करते हैं, मतलब कोई एरर आ रहा है, एमिशन हो रहा है, मलिशियस एक्ट हो रहा है, उसे प्रिवेंट करते हैं। यानी प्रिवेंटिव कंट्रोल्स डिजास्टर से पहले लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फायर है, तो फायर के केस में क्या होगा कि आग लगने से पहले आप बिल्डिंग ही ऐसी बनाएं जिसमें कम्बस्टिबल मटेरियल ही ना हो, लोगों सीमेंट की बिल्डिंग बनाए, लकड़ी की बिल्डिंग के बजाय। तो ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। अगर मान लिया सपोज आप मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो ऐसा मटेरियल यूज़ करें जिसमें आग लगी नहीं सकती। अगर मान लिया सपोज कोई वायरस या किसी बचना चाहते हैं, या इंटरनेट में है, तो इंटरनेट में हमने बोला कि पोर्ट्स होते हैं, पर्टिकुलर पोर्ट से ही कम्युनिकेशन अलाउड होता है, बाकी सारे पोर्ट्स हम बंद कर देते हैं। तो ये एक तरह का प्रिवेंटिव कंट्रोल है। प्रिवेंटिव कंट्रोल, या हम इन डेटा भेज रहे हैं तो इनक्रिप्टेड डेटा भेज रहे हैं, तो ये प्रिवेंटिव कंट्रोल है। तो प्रिवेंटिव कंट्रोल प्रिवेंट करता है, डिजास्टर होने से पहले होता है। डिटेक्टिव कंट्रोल डिजास्टर के बाद होता है। अगर कोई एरर, ओमिशन और मलिशियस एक्ट हो गया है, क्या चीज़ है, हो गया है, तब डिटेक्टिव कंट्रोल आता है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम डिटेक्टिव कंट्रोल है। तो ये अकरेंस बताता है कि भैया, डिटेक्टिव कंट्रोल ये बताता है कि भैया ये प्रॉब्लम हो गई है। डिटेक्टिव कंट्रोल्स मैनेजमेंट को हेल्प करता है। वही क्या करता है कि जब प्रिवेंटिव कंट्रोल ब्रेक डाउन करते हैं, हो जाते हैं, तो करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत होती है। अगर मान लिया सपोज आपने कम्बस्टिबल मटेरियल नहीं रखा, कुछ नहीं रखा, ये तो भी आग लग गई, तो आपको डिटेक्ट होना चाहिए, अलार्म बजना चाहिए, स्मोक डिटेक्टर्स होनी चाहिए जो डिटेक्टिव कंट्रोल्स की तरह काम करें। तो मैनेजमेंट को बता देना चाहिए। जैसे एक्सेस वायलेशन लॉग्स होते हैं, एक्सेस वायलेशन लॉग्स में अगर कोई भी व्यक्ति एक लिमिट के बाद
एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, तीन बार वो पासवर्ड करने की किसी अकाउंट को गलत तरीके से एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, या तीन बार गलत पासवर्ड डाल दिया गया है, या गलत आदमी ने कोई अकाउंट एक्सेस कर लिया गया है, या गलत सिस्टम से अकाउंट एक्सेस हो गया है, तो वो एक्सेस वायलेशन लॉग्स होते हैं। तो ये सिक्योरिटी सिस्टम में, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम्स में ये बहुत नॉर्मल फीचर है, वहाँ पर डिटेक्टिव कंट्रोल्स बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं और डिटेक्टिव कंट्रोल्स मैनेजमेंट को बता देता है कि भैया ये गड़बड़ हो गई। इसके अलावा करेक्टिव कंट्रोल्स हैं, करेक्टिव कंट्रोल्स करेक्ट करते हैं, यानी कि एक बार डिटेक्ट हो जाएंगे उसके बाद करेक्ट हो जाएंगे। तो यानी पहले डायरेक्टिव कंट्रोल लगाओ, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को एक तरह से डायरेक्ट करने की कोशिश करो, उसके बाद प्रिवेंटिव कंट्रोल्स लगाओ, डिजास्टर होने ही ना दो, प्रिवेंटिव कंट्रोल्स बेटर होते हैं, उसके बाद डिटेक्टिव कंट्रोल्स लगाओ अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो डिटेक्ट हो सके, और उसके बाद करेक्टिव कंट्रोल लगाओ। करेक्टिव कंट्रोल क्या हो गया, अगर प्रॉब्लम होगी तो डिटेक्टिव कंट्रोल से डिटेक्ट करेंगे, करेक्टिव कंट्रोल्स उसे करेक्ट करेंगे। जैसे एंटीवायरस प्रोग्राम है, अगर कोई भी वो डिटेक्ट, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक डिटेक्ट करता है और एक उसको डिलीट कर देता है। तो करेक्टिव कंट्रोल्स लॉसेस को मिटिगेट करते हैं, थ्रेट को कि थ्रेट के इम्पैक्ट को कम करने की कोशिश करते हैं, जब इम्पैक्ट हो जाता है उसके बाद, यानी कि इम्पैक्ट हो जाने के बाद इम्पैक्ट को कम करते हैं। इसके अलावा होते हैं एग्जिस्टेंस कंट्रोल, जहां पर BCP आती है, जहां पर कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस की बात आती है, जहां पर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग या DRP डिजास्टर रिकवरी प्लानिंग जो आप करते हैं वो एग्जिस्टेंस कंट्रोल है, वो ऑर्गेनाइजेशन की एग्जिस्टेंस को ख़त्म होने से बचाते हैं। तो एग्जिस्टेंस कंट्रोल कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस को इंश्योर करते हैं, यानी कि बिजनेस कंटिन्यूटी कंटिन्यू रहे। यानी डिजास्टर अगर हो गया तो इस लेवल तक डिजास्टर हो गया कि भाई वो डिजास्टर, वो अगर इंपैक्ट हो गया तो इस लेवल तक इंपैक्ट हो गया कि वो डिजास्टर बन गया, यानी इम्पैक्ट अगर डिजास्टर बन गया तो वहाँ पर एग्जिस्टेंस कंट्रोल होनी चाहिए, BCP होनी चाहिए, DRP होनी चाहिए। तो ये कंट्रोल्स हैं, कंट्रोल्स की एक सीरीज़ है। यानी पहले लेवल पर डायरेक्टिव कंट्रोल लगा दो, अच्छी पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस और उनका इम्प्लीमेंटेशन हो, मतलब कंट्रोल्स अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डायरेक्टिव कंट्रोल्स आदि चीज़ें आपकी, डायरेक्टिव कंट्रोल्स ऐसे होने चाहिए 80-85% चीज़ें वही संभाल लें। उसके बाद प्रिवेंटिव कंट्रोल्स होने चाहिए कि प्रिवेंट कर सके, मतलब डिजास्टर होने से पहले प्रिवेंट कर सके। उसके बाद डिटेक्टिव कंट्रोल हो सके, इम्पैक्ट आ गया तो थ्रेट ने वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर दिया और इम्पैक्ट में उसे कन्वर्ट कर दिया, यानी कि लॉस हो गया, अब डिटेक्टिव कंट्रोल्स की ज़रूरत है। इसके बाद डिटेक्टिव कंट्रोल्स के बाद करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। डिटेक्टिव कंट्रोल खड़ा कर डिटेक्ट करेगा, करेक्टिव कंट्रोल करेक्ट करेगा। एंटीवायरस के अंदर डिटेक्टिव कंट्रोल भी होते हैं, करेक्टिव कंट्रोल्स का भी एग्जांपल है, क्योंकि एंटीवायरस क्या करेगा, वायरस आ गया डिटेक्ट करेगा और उसे फिर करेक्ट करेगा। तो डिटेक्टिव और करेक्टिव कंट्रोल्स होते हैं। करेक्टिव कंट्रोल्स क्या करते हैं, रिस्क मिटिगेशन करते हैं, ये लॉसेस को मिटिगेट करते हैं, इम्पैक्ट सॉरी रिस्क मिटिगेट नहीं करते हैं, लॉसेस को मिटिगेट करते हैं, रिस्क मिटिगेशन नहीं करते हैं। रिस्क मिटिगेशन तो पहले आप डायरेक्टिव कंट्रोल, प्रिवेंटिव कंट्रोल, डिटेक्टिव कंट्रोल लगा दो, ये इंपैक्ट मिटिगेशन करते हैं जो करेक्टिव कंट्रोल, यानी इंपैक्ट हो गया, अब प्रॉब्लम आ गई, इसके बाद ये उस इंपैक्ट को कम से कम कर रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं, इंपैक्ट की इंटेंसिटी को कम कर रहे हैं। तो इंपैक्ट मिटिगेटिंग कंट्रोल्स कौन है, करेक्टिव कंट्रोल्स है। और इसके बाद आते हैं एग्जिस्टेंस कंट्रोल। एग्जिस्टेंस कंट्रोल जब इंपैक्ट डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाता है तो आप कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और उसके लिए BCP और DRP का यूज़ करते हैं। तो डायरेक्टिव कंट्रोल में कौन